हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि आपका कौशिक जी किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको लेके आ रही हूँ गुलमर्ग की वादियों में, बहुत ही सुंदर और बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों के बीच में। आज हम आपको सारी डिटेल देंगे गोंडोला राइड के बारे में कि किस तरह से आपको उसकी टिकट लेनी है, किस तरह से आपको वहाँ चीज़ों का ध्यान रखना है। ये बहुत ही सुंदर जगह है और कश्मीर को जन्नत इसलिए ही कहा जाता है, मुझे लगता है। यहाँ आके मैं सब कुछ भूल गई और मेरा तो अभी दोबारा से जब भी पिक्चर्स देखती हूँ वहाँ जाने का मन करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी सारी डिटेल में वीडियो। गोंडोला राइड में आपको दो फेज़ की टिकट लेनी पड़ती है, फेज़ वन और फेज़ टू। तो फेज़ वन की टिकट लेने के बाद ही आप फेज़ टू की टिकट ले सकते हैं। तो इसके लिए एक वेबसाइट होती है जिसमें आपको फेज़ वन की टिकट ले सकते हैं आप। उसकी वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वेबसाइट का लिंक, जहाँ से आप गोंडोला राइड की टिकट करा सकते हैं। फेज़ वन आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। इसमें अभी हम जब गए थे तब थोड़ी कम बर्फ़ थी फेज़ टू के कंपैरेटिवली, और आप देखिए किस तरह से पूरा धुंध में और फॉग में हो रखा है सारा माहौल। इस तरह से एक साइट पे आपको रूट फेज़ वन के और फेज़ टू की टिकट करानी पड़ती है, और जब टिकट अवेलेबल होती हैं तभी आप करा सकते हैं। तो इसकी एडवांस में टिकट बुक करा के ही आप यहाँ से जाएं। इस तरह से दोनों फेजेस की टिकट आप करा सकते हैं। फेज़ वन में इस तरह से बार बार मौसम चेंज होता रहता है, कभी सूरज खिल जाता है, कभी बिल्कुल फॉग इतना हो जाता है कि आपको आपसे एक मीटर दूर भी नहीं दिखेगा। और फेज़ वन में सारी जितनी भी राइड्स और एक्टिविटीज़ हैं स्नो से रिलेटेड वो सब मिलेंगी, जिसमें आप स्लेजिंग और बाइक राइड ये सब कर सकते हैं। फेज़ टू यहाँ से स्टार्ट होता है। ये देखिए गोंडोला राइड का जो माइनस पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा ये है कि वहाँ पे लाइनों में आपको बहुत खड़ा रहना पड़ता है, एक एक घंटे की लाइन होती है। बट ये है कि आप एक बार जब पहुँच जाते हैं फेज़ वन में और फिर बाद में फेज़ टू में, तो आप सारी जितनी भी आपने एक घंटे वेट किया है वो सब गायब हो जाता है, वो सारा परेशानी सब गायब हो जाती है। इतना सुंदर लगता है ये माहौल। ये फेज़ टू की राइड है, यहाँ से स्टार्ट हुई थी। अब हम जा रहे हैं बिल्कुल लश बर्फ़ में, और जहाँ पे सब तरफ आपको बर्फ ही बर्फ दिखेगी। ये देखिए कितना सुंदर है। बस आप ये ध्यान रखें कि जो गाइड आपको नीचे मिलेंगे जहाँ पे आप टिकट स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करेंगे अपनी गंडोला राइड, तो वहाँ पे आपको गाइड्स मिलेंगे कि गाइड कर लो 600 में, गाइड कर लो। गाइड की ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट होती नहीं है, आप आराम से अपनी ऑनलाइन टिकट बुक करा के जाइए पहले से ही, और इस तरह से आप अपनी राइड कर सकते हैं। और लाइन में तो आपको ही खड़ा रहना पड़ेगा, गाइड कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे नहीं लगता कि गाइड की इतनी इम्पोर्टेंस है। हाँ, अगर आप फ़ोटोज़ खींचना चाहते हैं तो गाइड ज़रूर आपकी फ़ोटोज़ खींच देगा अच्छे से। आपको आप कपल पोज लेना चाहेंगे या वहाँ पे कुछ भी पोजेज़ लेना चाहेंगे, उसके लिए आपकी फ़ोटो खींच देगा वो। इतना सा फ़ायदा दिखता है मुझे गाइड का। सर्दियों के सीज़न में फेज़ वन में भी बहुत बर्फ़ मिल जाती है, तो आप जब नवंबर दिसंबर में आएँ या जनवरी फरवरी में भी बहुत बर्फ़ मिलती है, तो आप उस टाइम आएंगे तो आपको फेज़ वन की भी अगर टिकट मिल जाती है तो आपके लिए बहुत है। बट फेज़ टू की एक अलग ही बात है। जब आप पीक पे पहुंचते हैं आफरवाद पीक पे, और वहाँ पे आप बस बर्फ़ ही बर्फ़ देखते हैं, और आप बिल्कुल टॉप पे हैं किसी पहाड़ के, तो उसका नज़ारा ही बहुत अच्छा होता है। आप चाहें तो थोड़ा सा ट्रैकिंग करके थोड़ा आगे जा सकते हैं आफरवाद पीक से। वहाँ पे एक लेक होती है जो अपने पीओ के बॉर्डर के आसपास होती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रहता है, बट लोग जाते हैं जो ट्रैकिंग करते हैं। और ये देखिए आप खुद ही देख पा रहे हैं कितना सुंदर है बाहर।
ये देखिए, वाओ, यहाँ से जब बर्फ सब तरफ बर्फ स्टार्ट होती है और थोड़ी थोड़ी धूप बर्फ पे पड़ती है तो वो बहुत ही सुंदर लगती है। ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है बाहर का। ये आपको 5-10 मिनट में पीक पे पहुंचा देती है गुंडोला राइड। और ये साथ में आप जो दूसरी राइड देख रहे हैं वो स्केटिंग करने वालों के लिए है। जो लोग स्केटिंग करते हैं फरवरी में वो उस पे जाते हैं और वहाँ से स्केट करते हैं, उनके लिए होती है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना सब, आप जब खुद देखेंगे तब आपको बहुत ही सुंदर लगेगा। पीक पे पहुँच के हम जब पहुँचे ऊपर तो वहाँ पे स्नो स्टॉर्म भी आने लग गया था, तो सब लोग भागने लग गए थे वापस राइड को लेने के लिए। ये देखिए कितना तेज हवाएं चल रही हैं, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि आप जब भी जाएं तो अच्छे से अपने ग्लव्स और बूट्स और जैकेट्स पहन के जाएं, क्योंकि वहाँ का मौसम एकदम से बिगड़ जाता है। कभी बारिश होने लग जाती है, कभी स्नो गिरने लग जाती है, कभी स्टॉर्म आ जाता है। तो ये ध्यान रखें जब भी आप फरवात पीक पे या गंडोला राइड पे जाएं तो अच्छे से कवर करके जाएं अपने आप को, अच्छे से जैकेट लेके जाएं एक दो जो, और ग्लव्स भी अच्छे से लेके जाएं, क्योंकि बर्फ़ में ग्लव्स बहुत जल्दी गीले हो जाते हैं अंदर से। तो ऐसे ग्लव्स लें जो अंदर से पानी नहीं जाए, उनमें वाटरप्रूफ हो। ये देख सकते हो आप कितना सुंदर है। ऊपर जब आप फरवात पीक पे जाते हो तो वहाँ पे स्केटिंग भी होती है, तो आप यहाँ से रेंट पे स्केटिंग लेके कर सकते हैं। कुछ ट्रेनर्स भी होते हैं जो आपको सिखा सकते हैं थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए कितना सुंदर है सारा, सब तरफ बर्फ ही बर्फ। और ये जब हम लास्ट में जब ऊपर पहुंच गए थे तब एकदम से स्टॉर्म चालू हो गया था, स्नो स्टॉर्म, तो सब धीरे धीरे भागने लग गए थे। और मैं हर किसी को कहूँगी कि जो भी अगर कश्मीर का प्लान कर रहा है तो गुलमर्ग बहुत ज़रूर इंक्लूड करें अपने ट्रिप में, कि उसके बराबर जन्नत मैंने नहीं देखी आज तक। बहुत ही सुंदर है।